बड़ी खबर कानपुर से है। युवक की हत्या का मामले में अपनाया मोड़ आ चुका है। चश्मदीद का पुलिस पर बड़ा आरोप। आपको बता दें, पुलिस कर्मचारियों पर युवक की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस की गोली से युवक की मौत हुई। चश्मदीद ने यह बयान दिया है। आपको बता दें, जुआ खेलते समय पप्पू यादव को गोली लगी थी। घाटमपुर में गोली लगने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया था। खाकी पर ब्राह्मण के खून के छींटे। पुलिस ने पप्पू वाजपेयी को मार डाला। यह आरोप चश्मदीदों के द्वारा लगाए गए। कानपुर पुलिस ने ब्राह्मण को गोली मारी। दोस्तों के साथ में जुआ खेल रहा था पप्पू वाजपेयी। पुलिस ने गोली मारी, ब्राह्मण मारा गया। ब्राह्मण की हत्यारे पुलिस पर कार्रवाई कब की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो चश्मदीद का पुलिस पर यह बड़ा आरोप लग रहा है कि जुआ खेलते समय पप्पू वाजपेयी को गोली मार दी जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सवाल है, पुलिस ने पप्पू वाजपेयी को मार डाला। खाकी पर ब्राह्मण के खून के छींटे पड़े हैं। कानपुर पुलिस ने ब्राह्मण को गोली मारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अब हलचल का माहौल है। दोस्तों के साथ में जुआ खेल रहा था पप्पू वाजपेयी। जिस समय पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने एक ब्राह्मण को गोलियों से भून दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो ब्राह्मण की हत्यारी पुलिस पर कार्रवाई कब की जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। एक तरफ ब्राह्मणों को लेकर जिस तरीके की सियासत हुई और दूसरी तरफ ऐसी हत्याएं वो भी पुलिस के द्वारा की जा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर वो जुआ खेल रहा था तो आपको जो भी कानूनी कार्रवाई करनी थी आप कर सकते थे। गोली चलाकर मारने का अधिकार आखिरकार क्या खाकी को कभी भी कहीं पर भी और किसी को भी मारने का राइट देती है? दोस्तों के साथ में जुआ खेल रहा था पप्पू वाजपेयी। पुलिस ने एक ब्राह्मण को गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों में हाहाकार का माहौल है। लगातार इंसाफ की गुहार अब परिवार लगा रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि वर्दीधारी ही अगर इस तरीके से रक्षक की भक्षक बन जाएंगे तो आप किस पर भरोसा कर पाएंगे? वहाँ पर 7-8 आदमी फिर एक आदमी वहाँ बम्बा के पास से आया, कहीं भागो पुलिस। तो बदल से भगदड़ मची है, उसने ठाठ बच्ची को गोली मारी। किसने मारी? सिपाही ने, दो गाड़ी वाटी। एक युवक की डेड बॉडी मिली है। पुलिस द्वारा मौके पे थाना घाटमपुर और मुख्य अधिकारी द्वारा मौके पे गया गया और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कुछ वहाँ पे बरामद हो रहा है मौके से? अभी देखते हैं, अभी सब जांच का विषय है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एक 45 वर्षीय युवक की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। इस संबंध में कुछ गांव वालों द्वारा थाना घाटमपुर के एक सब इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल पर भी आरोप लगाया जा रहा है। हम इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं और जो सही तथ्य मिलेगा उसके अनुसार हम कड़ी विधि कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में अभी पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर आना शेष है। तहरीर मिलने पर भी जो भी उसमें आरोप रहेगा उसकी हम प्रॉपर जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और तदनुसार अग्रिम विधि कार्रवाई करेंगे।